दोस्तों आज हम व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग सब विचार के बारे में हम बता रहे हैं। ये हरेक परीक्षा में एक दो नंबर मैट्रिक या इंटर में से पूछा जाता है। 5 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा और 100 विचार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें आपको मिलेगा, जैसे बोलता है सर कि दांत कौन सा शब्द है, नाक कौन सा शब्द है, पंकज कौन सा शब्द है, कौन देशज है, कौन विदेशज है, ये सभी बातें हम लोग शब्द विचार में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, कुछ परीक्षा में 2-3 तरह से पूछ देता है। पूछेगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने मिलते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तो तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, यानी संस्कृत के जितना भी शब्द रहेगा उसको हम तत्सम कहेंगे। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, माने हिंदी वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। उसके बाद देश शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में हुई है उसे हम देशज कहते हैं। जैसे लोटा, डोरी, धोती, कुर्ता, पजामा, ये सभी शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। और एक होता है विदेश शब्द, जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है और वही शब्द यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हिंदी वाले बोलने वाले भी हॉस्पिटल कहते हैं, इंग्लिश वाले भी इसको हॉस्पिटल कहते हैं। टीचर, सर, डॉक्टर, ये सभी शब्द को हम लोग विदेश कहते हैं। ये इनको विदेश में भी डॉक्टर कहा जाता है या हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर लोग डॉक्टर कहते हैं। उसी तरह देशज शब्द को, जैसे धोती या कुर्ता, तो विदेश वाला धोती कुर्ता को अंग्रेजी में धोती या कुर्ता लिख देता है सब। तो हमको विश्वास है कि प्रकृति से शब्द के 4 भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करते रहे, संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे पुस्तकम, अश्व, और तद्भव जैसे किताब, माने संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम से जो तद्भव बना है उसको हम तद्भव कहते हैं। देश लोटा, डोरी, धोती, कुर्ता, जो देश में खाम बोलता है लोग लोटा, तो विदेशों में लोटा बोलता है, लोटा नहीं लोटे होता है। धोती कहने जी धोती ही होता है, कुर्ता कहने जी कुर्ता होता है, यानी कि देश ये अपने ही देश में उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका कोई अंग्रेजी भी नहीं होता है। कुर्ता कहने जी कुर्ते लिख देता है, धोती कहने जी धोती होता है। दूसरा होता है बनावट, बनावट की दृष्टि शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्द को के खंड की जान पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे ना, कान, रूढ़ शब्द हो गया। इसको खंड करने पर का जो न अर्थ निकलेगा, ना जो क अर्थ निकलेगा, तो परीक्षा में 4 तो विकल्प दे देगा। आप कहेंगे इसमें रूढ़ शब्द कौन है, तो लिख देगा पंख, अजर, बीन, सरोज, नाक। इसमें कौन रूढ़ शब्द हो गया, नाक, क्योंकि नाक से कोई और रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिनका कोई अर्थ न निकले। यौगिक, कोई अर्थ निकले, जैसे विद्यालय, पाठशाला, सरोज, सरोज नहीं होगा, विद्यालय, विद्या, आलय माने घर। इसको खंड की जन्म, खंड माने होता है टुकड़ा, इसको टुकड़ा करने पर अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्या जुड़ाल, विद्या को हिमालय कहते हैं, ठीक, पाठशाला, पढ़ने वाले घर को पाठशाला कहते हैं। शाला माने दो कोचिंग बाद होता है, शाला माने पत्नी का भाई होता है, शाला माने घर भी होता है। तो पाठशाला यानी यहाँ घर अर्थ नहीं लगेगा, यानी पढ़ने वाले घर को कहते हैं पाठशाला। तो धर्मशाला यानी कि धर्मशाला का मतलब रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं, धर्मशाला, जो यहाँ लोग धार्मिक लोग रहते हैं उसे हम धर्मशाला कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। तो जिन शब्दों खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकले उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, अखंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे नाक कान दांत जीभ सब रूढ़ शब्द हो गया। अब योग रूढ़ शब्द, जीव शब्द खंड किए जाने पर अपना अर्थ छोड़ कोई विशेष अर्थ ग्रहण करे, माने अपना अर्थ नहीं देता है कोई दूसरा अर्थ देता है। जैसे सरोज, सरोज का अर्थ हुआ पंकज, नीलकंठ, ये सभी शब्दों को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। सरोज, सर माने होता है तालाब, जिसका जन्म तालाब से हुआ हुआ हो उसको हम सरोज कहते हैं। पंकज, जिसका जन्म पांक से हुआ हो पंकज कहते हैं। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ। यानी कि इस तरह का शब्द हुआ तो उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाएगा ये इतना भी सिंपल देता है, उत्पत्ति विशेष शब्द कितने बजे होते हैं तो चार बजे होते हैं। विकल्प देगा दो तीन चार पांच देगा, किसमें टिक मारिएगा चार को। बनावट दृष्टि से शब्द कितने बदलते हैं तो तीन को, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। उसी तरह रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने बदलते हैं, रूपांतर की दृष्टि से दो होते हैं, विकारी एक होता है अविकारी। तो विकारी शब्द इसे कहते हैं जिन शब्द को रूप लिंग वचन और कारक पुरुष के अनुसार बदले उन्हें विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक पुरुष के अनुसार नहीं बदले उसे हम अविकारी कहते हैं। इसमें कोई उतना खास बात नहीं है, यही दोनों में से परीक्षा में दो तीन नंबर का पूछा जाता है। अब उसके बाद अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। तो जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं, जिसका माने अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं निरर्थक कहते हैं। जैसे इसमें भी ना के काम है क्या हो जाएगा निरर्थक शब्द हो जाएगा, अब विद्यालय हिमालय पाठशाला क्या हो जाएगा सार्थक शब्द, इसमें कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो हमको आशा है कि आप शब्द विचार में जितने भी शब्द के भेद होते हैं पहले शब्द किसे कहते हैं ये भी हम आपको समझाए। वर्ण या ध्वनि जो मिल जाता है जैसे क अल, ये क्या हो गया एक शब्द हो गया। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार बदलते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन बदलते हैं, रूपांतर की दृष्टि से दो बदलते हैं, और की दृष्टि से दो होते हैं सार्थक और निरर्थक। आशा करते हैं कि आपको शब्द के बारे में समझ में आ गया होगा।